नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सावधान, एक बार फिर से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। राज्य में अगस्त सितंबर की माह में कोरोना का संक्रमण शून्य स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है। बताया जा रहा है कि रांची में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। राज्य में एक समय एक्टिव केस की संख्या 52 हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यह संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। वहीं नई मरीजों के मिलने से संख्या 202 हो गई है। वहीं ताजा मामला झारखंड के जामताड़ा से आया है कि कोरोना की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। जामताड़ा में मंगलवार को कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मृतक फतेहपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर गाँव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि यह 24 अक्टूबर को बेंगलुरु से लौटा था। इसके बाद कोविड अस्पताल उदलबनी में मां व पत्नी के साथ अपनी कोविड जांच करवाई, जहां रैपिड एंटीजन किट से तीनों की जांच हुई, जिसमें वह संक्रमित पाया गया। वहीं मंगलवार की सुबह कोविड अस्पताल में इलाजरत युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद ले जा रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में नारायणपुर के समीप उसकी मौत हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में लागू विभिन्न पाबंदियों में चरणबद्ध ढंग से दी जा रही छूट तथा पर्व त्योहारों के कारण दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों की कोरोना जांच तथा संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। जीएन भारत आप लोगों से आग्रह करता है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।